इंदौर में स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को हौसला बढ़ाने के लिए आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने खास मुहिम शुरू की है जिससे इंदौर को स्टार्टअप्स में भी नंबर वन बनाया जा सके ऐसे में युवा कैसे इस मुहिम से जुड़ सकते हैं इस मुद्दे पर सांसद ने एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और जानकारी भी साझा की इंदौर स्वच्छता में नंबर वन अब इंदौर आएगा स्टार्टअप में भी नंबर वन आज इंदौर में एक मुख्य स्टार्टअप डे को लेकर बहुत अहम बैठक बिठाई गई जो हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी द्वारा बिठाई गई थी जिसमें स्टार्टअप को कैसे मोटिवेट करा जाए यूथ को कैसे मोटिवेट करा जाए स्टार्टअप को लेकर उसके बारे में अहम बैठक और चर्चा की गई आइए हम आप तक पहुंचाते हैं कि क्या इस बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए और क्या कुछ आगे सामने आया सर स्वागत है आपका एम न्यूज़ में सर स्टार्टअप डे सोलह जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में पी मोदी ने घोषणा करी थी और इसी को आज हम बढ़ावा देने के उससे उद्देश्य से आज आपने बैठक बुलाई थी सर मेन पॉइंट्स रहे हैं जो आपने इस आज बैठक में डिस्कस करें देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप डे की घोषणा की थी उसी समय हमने इंदौर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया पर डाला था कि हम मदद करना चाहते हैं और बढ़ावा देना चाहते हैं उसको लेके आज जिलाधीश महोदय कमिश्नर नगर निगम और डॉक्टर निशान खरे और जो हमारे स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं जो शुरुआती दौर उन्होंने यहाँ से की लेकिन अब शहर में नहीं प्रदेश में नहीं पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप में उनका नाम है उनके अनुभव को लेकर और नए स्टार्टअप को क्या मदद चाहिए उसको लेकर एक बैठक की थी हम चाहते हैं आने वाले दिनों में इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हों क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप बेंगलोर में चले जाते हैं या नोएडा में चले जाते हैं या इकोसिस्टम की जो आवश्यकता है उस इकोसिस्टम सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक फोरम बनाया गया इस फोरम के माध्यम से हम नए स्टार्टअप को क्या मदद कर सकते हैं हम मिलके वो और सरकार से उनको क्या अपेक्षा है जिला प्रशासन से उनको क्या अपेक्षा है वो हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे हमारा मूल मकसद ये है कि यहाँ स्टार्टअप बढ़े रोजगार बढ़े और उसको ले जो आवश्यक कदम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ हम बात करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें वो अपना सहयोग प्रदान करें जी सर हाल ही में नमो नमो शंकरा संस्था जो आपके द्वारा संस्था का जो करा गया वहाँ पर चेक वितरण करा गया जो कोरोना के पीड़ित जो लोग थे उनका सर ये क्या कहानी थी आज किन लोगों को चेक वितरण किया गया देखिए हमने देखा कि पिछले दिनों सांसद सेवा संकल्प द्वारा हमने जो बच्चे हैं जो कोविड से प्रभावित हुए थे लगभग 400 से ज्यादा बच्चों को फीस में या तो पूरी फीस जो कि करोड़ों रुपए में आ रही है फीस और कई उनको आधी फीस जितना स्कूल ने हमारी बात मानी कुछ स्कूलों ने पूरी फीस माफ़ करी कुछ ने आधी किसने 25 परसेंट शेष फीस हमने प्रोवाइड करी और उन्हीं बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाने का प्रयास किया सांसद से और संकल्प द्वारा ही हमने एक फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करने वाला हमारा युवा साथी था जो कोविड से जिनका निधन हो गया था हमने जो आई विभाग है उनसे कहा था कि उस इंडस्ट्री को उनको भी मदद करना चाहिए तो आज जो आई के क्षेत्र में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी निधन हो गया था कोविड के कारण उनको तीन लाख रुपए का चेक आज कंपनी द्वारा दिया गया है तो चूंकि पहल हमारी थी तो उन्होंने हमारे माध्यम से आज उनको दिया है हम आपके माध्यम से बाकी कंपनियों से भी ये कहेंगे या प्राइवेट फर्मों से भी कहेंगे अगर उनके संस्थान में भी ऐसी कोई हादसा हुआ तो ज़रूर उस परिवार में मदद करें जी। सर इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें देखिए विपत्ति के समय इंदौर की तासीर है कि हम सब मिलकर काम करते हैं और मुझे लगता है कि कभी ऐसी आपदा जो आई है उस पर हम सब मिल ऐसे लोगों की मदद करें यहाँ पर संकल्प क्लियर है कि स्वच्छता के साथ साथ अब इंदौर स्टार्टअप में भी नंबर वन आएगा क्योंकि किसी भी देश की इकनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ का जो स्टार्टअप है वहाँ के जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से रन करे और आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही बढ़ते रहे और इकोनॉमी को सपोर्ट करें इसी के साथ ही हम लेते हैं आप चलविदा नमस्कार